हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शीतल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना सोफ़ा घर पर ही कैसे क्लीन करें। हम बाहर से सोफ़ा क्लीनिंग के लिए सर्विसेज लेते हैं, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं सोफ़ा की, वो हमको बहुत महंगा पड़ता है। जबकि हम घर पर कुछ DIY सॉल्यूशन बनाकर घर पर आसानी से ही अपना सोफ़ा साफ़ कर सकते हैं। आजकल कोविड के चक्कर में सभी लोग घर पर हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, इस कारण हमारा सोफ़ा भी ज़्यादा यूज़ होता है। और कभी कभी बच्चे इस पर खाना खाते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं और खेलते भी यहीं पर हैं, तो जिसके कारण हमारा सोफ़ा बहुत गंदा होता है। तो ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा सोफ़ा जिसको मैं रेगुलरली साफ़ करती रहती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने सोफ़े का कवर हटा दिया है और इसके बाद मैं इसको साफ़ करूंगी। आप चाहो तो इस पर वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कोई भी जो सॉफ्ट ब्रश है उसकी हेल्प से आप इसको क्लीन कर लें, या किसी भी डस्टर या कोई भी ब्रश आपके पास हो उससे इसको पूरा डस्ट कर लें, जिससे कि इसके ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स स्पिल हैं, जैसे कभी कभी खाने के या डस्ट के रह जाते हैं, वो सारे हम हटा देंगे। अच्छे से डस्टिंग करने के बाद हमें इसे साफ़ करना आसान हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है डस्टर से, ब्रश से, आप भी कर सकते हैं। सोफ़े की गद्दियाँ अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सोफ़े की गद्दियाँ भी हटा दी हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सोफ़ा एकदम से क्लीन हो जाए। इसके नीचे जो फोम लगा हुआ है उसके ऊपर ये लाल वाला कपड़ा है, उसे भी मैंने अच्छे से ब्रश से बिल्कुल साफ़ कर दिया है, जिससे कि कुछ भी, कभी कभी बाल ही रह जाते हैं सोफ़े की सीट के नीचे, तो सब मैंने एकदम से क्लीन कर दिया है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें बाद में उतना ही सोफ़े को क्लीन करना आसान हो जाएगा। देखिए मैंने अपने सारे सोफ़े, इवन जो सिंगल सोफ़ाज हैं, जो 3-सीटर है, ये सब मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम पानी से साफ़ करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी सोफ़ा क्लीनिंग के लिए एक सॉल्यूशन है। इसके हमें 4 से 5 बूंदें ही लेनी हैं। इसको हमें डाइल्यूट करना होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना खुद का एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके लिए कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट या माइल्ड शैम्पू आप ले सकते हैं। मैंने वो सॉल्यूशन इसमें 4-5 बूंद डाला है और हाथ से हिला के इसमें अच्छे से झाग कर लिए हैं। उसके सिर्फ 4-5 बूंदें ही काफ़ी रहती हैं। देखिए इस तरीके से मैंने एक ये फॉर्म लिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो, या ये नहीं है तो आप कोई भी माइक्रोफाइबर का कपड़ा लेके उसे डिप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको हल्के हल्के हाथ से सोफ़े पर रब करना शुरू कर दिया है। हमें हाथ हल्का ही रखना है। आपका सोफ़ा किस टाइप का है ये बात ध्यान को रख के ही हमें अपना सोफ़ा क्लीन करना है। इस सॉल्यूशन से आप फैब्रिक या लेदर, किसी भी टाइप का सोफ़ा साफ़ कर सकते हैं। मेरा सोफ़ा फैब्रिक का है तो मैं इसको इसी सॉल्यूशन से साफ़ करूँगी। देखिए कितनी गंदगी है। हल्के हल्के हाथ से ही मैंने इसको साफ़ किया है। ज़्यादा हम इसको गीला नहीं रखेंगे, ज़्यादा गीला करने से ये कपड़ा पानी सोख लेगा। मैंने इसको पूरे पे रब कर दिया है। अब मैं एक माइक्रोफाइबर कपड़ा लेके उसे साफ़ पानी में गीला करके अच्छे से निचोड़ लूँगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, हमें गर्म या बहुत ठंडा पानी नहीं लेना है। इसके बाद मैं इस कपड़े को अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ खींचूंगी, मैं इसको रब नहीं करूंगी। हमें ये बिल्कुल भी रब नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथ से ऊपर रखकर और इसको नीचे की साइड खींचना है। इसको हमें दबाना भी नहीं है। ऐसा हम 2 से 3 बार करेंगे तो जो भी हमने साबुन इस पे लगाई है वो सब साफ हो जाएगी। हमें बिल्कुल भी इसको दबाना या रगड़ना नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। हमें सिर्फ इसको ऊपर रख के नीचे की ओर खींचना है। इसके बाद मैं एक साफ़ कपड़ा लेके जो कॉटन का है उसको हल्का हल्का प्रेस करके जो इसके अंदर नमी है वो सब इस कपड़े में एब्जॉर्ब कर लूँगी। देखिए मैंने कपड़े को हल्के से रखा, उसको हल्का दबाया और हटा लिया, तो उससे जो सोफ़े ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद हमें ये सोफ़े को खुली हवा में सुखाना है। आप चाहें तो पंखा ऑन कर सकते हैं। पूरी रात के लिए आप पंखा ऑन करके छोड़ दें,
ये सोफ़ा बिल्कुल सूख जाएगा। हमें सोफ़े को धूप नहीं दिखानी है। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी सोफ़ा क्लीन करो तो धूप में उसका रंग फेड हो सकता है। तो इनडायरेक्ट जो लाइट है वो या फैन की हवा से सोफ़े को सुखा सकते हैं। मैंने भी ओवरनाइट फैन ऑन करके छोड़ा है जिससे मेरा सोफ़ा बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर कोई निशान है जिसे हमें रब करके साफ करना ज़रूरी है तो आप उसको हल्का सा रब करें तो छूट जाएगा आसानी से। बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हम एक ही जगह अगर रब करेंगे तो सोफ़े का फैब्रिक हल्का लाइट हो सकता है। थोड़ा सा ये ध्यान में रख के ही हमें अपने सोफ़े को क्लीन करना है। देखिए एक एक करके मैंने अपने पूरा सोफ़ा क्लीन कर लिया है। मेरे पास 3-सीटर 2 सोफ़ा है वो भी साफ़ किया है और मैंने सिंगल वाले सोफ़े भी साफ़ कर लिए हैं। इनको साफ़ करने में मुझे हार्डली 1 घंटा लगा है। इस सॉल्यूशन से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत जल्दी हमारा सोफ़ा क्लीन हो जाता है। हमारा सोफ़ा ज़्यादा गंदा ना हो और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चले इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे सोफ़े पर धूप नहीं आनी चाहिए, इनडायरेक्ट हवा ही आनी चाहिए। हमें टाइम टाइम पर अपने सोफ़े को वैक्यूम से या डस्टर या ब्रश से साफ करते रहना चाहिए और हमें इसकी सीट्स को उठाकर ही साफ़ करना चाहिए। आप सीट्स को आपस में अदलते बदलते भी रहें जिससे कि अगर कोई सीट ज़्यादा यूज़ होती है कोई कम यूज़ होती है तो वो इक्वली रहे। हम चाहें तो स्टीम आयरन से भी अपने सोफ़े को साफ़ कर सकते हैं। हमें कंडीशनर भी अपने लिक्विड में डालना चाहिए, उससे जो स्मेल है वो बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें, आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएं अपने सोफ़े की बैक साइड पर उसको चेक ज़रूर करें कि कहीं ये फैब्रिक के लिए ख़राब तो नहीं है और इसे ओवरनाइट ज़रूर सुखाएं। जो गीलापन है हमारे सोफ़े पे उसका सूखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम सोफ़े को यूज़ करेंगे। ये सब बातें आप ध्यान रखोगे तो आपका सोफ़ा लंबे टाइम तक चलेगा। हमें कभी भी सोफ़े की आम जो होती है उस पर नहीं बैठना है और ज़्यादातर अगर घर पर छोटे बच्चे हैं ज़्यादा यूज़ होता है सोफ़ा तो हमें सोफ़े पर सोफ़ा कवर बिछाने चाहिए। अगर आप लंबी छुट्टियों पर जा रहे हों तो सोफ़े पर एक कपड़ा पूरा डाल कर जाएं। बस हमें इसी तरह कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उससे हमारा सोफ़ा लंबे टाइम तक चलेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।